ओके मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जो दोस्तों आपका भाई आ चुका है लेकर के एक और बहुत ही खतरनाक ट्रेंडिंग सॉन्ग का जो है फुल वीडियो दोस्तों, जो कि ये सॉन्ग जो है कोर्था सॉन्ग होने वाला है दोस्तों, जो कि आपको इंस्टाग्राम पर जो ये रील जो है जरूर से जरूर सुने दोस्तों, जो कि आपको प्रीव्यू में भी दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आपको प्रीव्यू देखने के बाद दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता है दोस्तों, ये जो आपको जो शो करा के दिखाए दोस्तों, ये सॉन्ग जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वीडियो ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों, एंड आपको जो है यूट्यूब शॉर्ट पे एंड व्हाट्सएप स्टेटस बहुत लोग ही लगा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह इसी सॉन्ग का जो फुल टाइम में वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा 1K जो सब्सक्राइब जल्दी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, फटाफट जो मेरा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं फिर भी कोई स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों, लेट्स गो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो ओके दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप लोगों ने जो भी स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इससे भी बॉल स्टार बनने का जो हिम्मत मिलता है दोस्तों। आप जो इसे देखे दोस्तों, काफ़ी कमाल का दोस्तों न्यू सेगमेंट लगा है दोस्तों, 3D एनिमेशन के साथ जो है बना दोस्तों, जो कि कमाल का जो सेगमेंट यूज हुआ है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे प्रेस कर लेना होगा दोस्तों। दोस्तों आप जो स्टेट देखें दोस्तों, इस तरह का स्टेट बनाने के दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का जो जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन दोस्तों। अलाइट मोशन आपके प्ले स्टोर पर बहुत ही आसान से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिम से अलाइट मोशन को पेन कर लेना होगा दोस्तों। अलाइट मोशन को पेन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इतना घंटे पर शो हो जाता है दोस्तों, सिम से आपको प्लस के बगल में आपको जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखा दोस्तों, इसे आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सो मिट मार के न्यू स्टाइल सेक इफेक्ट दिख जाएगा दोस्तों। तो सिम से आपको इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सो मिट पे आ जाना दोस्तों। सो मिट मार पे आने के बाद दोस्तों आपको जो सारे रेड बिट दिख रहे हो दोस्तों, इसमें आपको फोटो अटैच करके दोस्तों सेक इफेक्ट यूज करना रहता है दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बिना स्किप करके देखना दोस्तों। तो जो मैं वीडियो में जब स्टेप बाय स्टेप बताऊँ दोस्तों कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या करना है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बिना स्किप करके देखिए दोस्तों। तो दोस्तों सिम्पली आपको जो है फोटो एड करने के लिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आ जाना, आने के बाद उसमें फोटो लेना दोस्तों। तो सिम्पली आपको फोटो एड करने के लिए दोस्तों सिम्पली प्लस पर जाना दोस्तों, एंड आपको मीडिया देना है। मीडिया देने के बाद दोस्तों आप जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे दोस्तों आपको उसका जो है फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। मान लीजिए मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट करें दोस्तों, एंड आपको कोई भी फोटो ले लेना। लेने के बाद दोस्तों आपको 3D पर जाना दोस्तों, एंड फिल कम से पे क्लिक करके दोस्तों दोस्तों आपको जो मोबाइल ट्रांसफॉर्म दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करके दोस्तों आप साइज कुछ इस तरह से एडजस्ट बहुत ही आसान से कर सकते हैं दोस्तों। करने के बाद आपको सिम से बैक करके दोस्तों इन 3 पे क्लिक करके स्टॉप पार्ट को कट कर लेना होगा। कट करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको सारे रेड बिट साइज फोटो अटैच कर लेना दोस्तों। सिवाय दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ से 1 सेकंड 13 से दोस्तों आपको यहाँ तक जो है जहाँ जहाँ पे 3D एनिमेशन में दिया दोस्तों, वहाँ तक आपको फोटो नहीं एड करना है दोस्तों, और जो आपको सारे रेड बिट साइज फोटो अटैच कर लेना दोस्तों। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊँ दोस्तों, आपको कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा यूज करना है दोस्तों। तो आपको जो फटाफट जो पहले जो फोटो कैड कर ले दोस्तों। तो दोस्तों सारे रेड बिट साइज फोटो टच करने के बाद दोस्तों आपको सिम से आपको बैक आ जाना होगा दोस्तों। बैक आने के बाद अपने सेगमेंट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सेगमेंट पे आने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ पहला फोटो दिख रहा है दोस्तों, इसे आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 3D पे इफेक्ट पे जाना दोस्तों, 3D पे जाना है, एंड आपको कॉपी फिट करके आपको बैक कर लेना होगा दोस्तों। बैक आने के बाद अपने सॉफ्ट मैप को आ जाना होगा दोस्तों। सॉफ्ट मैप पे आने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके कुछ ऐसे चेक करके दोस्तों जब पहला फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो छोटे छोटे सारे फोटो दिख रहे हैं दोस्तों, 1 सेकंड 7 तक जो है इस फोटो का आपको यूज कर लेना होगा दोस्तों। करने के बाद दोस्तों आपको 10 सेकंड 18 पे आ जाना होगा दोस्तों। मैं 10 सेकंड 18 पे आने के बाद स्क्रॉल कर नीचे का फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको 12 सेकंड 9 तक जाकर इस प्रोडक्ट को यूज कर लेना है दोस्तों। सिम से मैं यूज कर लेता हूँ दोस्तों। करने के बाद दोस्तों सिम से आपको स्क्रॉल करके फिर से आगे आ जाए दोस्तों 19 सेकंड 27 पे दोस्तों। तो मैं 19 सेकंड 27 पे आ जाता हूँ दोस्तों।
सॉरी 19:27 सॉरी फ्रेंड आपको 19:23 पे आना है दोस्तों। तो 19:23 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करें दोस्तों, आपको चार फोटो पे यहाँ पे पेस्ट करना है दोस्तों। पेस्ट करने के बाद दोस्तों से मिलते बैक कर लेना होगा ना, अपने सेकंड पे आपको फिर से आ जाना होगा। तो आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करना है ना, आपको फिर दिया कॉपी फिट करके बैक आ जाना होगा ना, अपने 100 रुपये आपको फिर से आ जाना होगा। 100 रुपये पे आएंगे दोस्तों तो आपको 19:27 पे आ जाना होगा दोस्तों। तो मैं 19:27 से कुछ ही तरह से आ जाता हूँ स्क्रॉल करके दोस्तों। आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आएगा दोस्तों, यहाँ जो पहला फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमें पेस्ट कर लेना होगा दोस्तों। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मुझे बैक कर लेना होगा एंड अपने सेकंड फोटो को फिर से आएगा दोस्तों। तीसरे फोटो पर क्लिक करना है दोस्तों, तीसरे फोटो पर क्लिक करना है आपको फिट पर जाना है दोस्तों। थर्ड पर जाकर दोस्तों कॉपी फिट करके एंड बैक आ जाना होगा। बाइक आने के बाद अपने फिर से 100 रुपये को आ जाना होगा दोस्तों। 100 रुपये के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके 12:21 पे आ जाना होगा दोस्तों। 12:21 पे कुछ तरह से स्क्रॉल करके आ जाता हूँ दोस्तों। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आकर दोस्तों आपको फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट कर लेना होगा। आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट करके दोस्तों स्क्रॉल करके आपको आ जाना होगा दोस्तों 19:13 तक, जो कि इस बार को यहाँ तक जो है यूज करना है दोस्तों। 19:13 जो है फिर को यूज कर लेना होगा दोस्तों। तो करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना होगा दोस्तों स्टार्टिंग में, यहाँ पे 1:13 पे। तो आपको इसमें कैसे फोटो को ऐड करना है दोस्तों, आपको लिखा है दोस्तों प्रियांशु एक्स टेक्निकल दोस्तों। आपको कहाँ पर कैसे फोटो को एड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों। उसमें आपको बैक आ जाना होगा दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से प्लस पे जाना है दोस्तों। आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करके दोस्तों क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद दोस्तों आप जहाँ पे फोटो रखे रहेंगे दोस्तों का फोटो सेलेक्ट करना दोस्तों। सिंपल प्लस पे जाकर मीडिया पे जाएगा दोस्तों, कोई भी फोटो ले लेना होगा दोस्तों। लेने के बाद आपको थ्री डॉट जाना दोस्तों, फिर कम से पे क्लिक करके दोस्तों बैक करके ना आपको सेटिंग के बगल में आपको जो एरो दिखा उस पर क्लिक करके दोस्तों करंट फ्रेम स्पिनिंग पे क्लिक करके स्पॉट पे क्लिक कर देना होगा। स्पॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टोटल जो है 5 से 6 फोटो बुक कर लेना होगा दोस्तों इस साइज का। करने के बाद दोस्तों आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद दोस्तों बैक करके दोस्तों आपको दोस्तों फिर से आपको प्लस पे जाना दोस्तों। प्लस पे जाने के बाद दोस्तों आपको जो 1x1 दिख रहा है दोस्तों, इसको जो आपको रेशियो सेलेक्ट कर दोस्तों क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके दोस्तों आपको प्लस पे जाना है। मीडिया पे जाकर दोस्तों आपको दूसरा फोटो लेके थर्ड पे जाकर दोस्तों फिल कम से पे क्लिक करके बैक आकर दोस्तों इसको साइज को कुछ एडजस्ट कर लेना होगा दोस्तों। करने के बाद दोस्तों आपको सेंड बैक कर दोस्तों आपको सेटिंग के बगल में आपको जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दोस्तों करंट फ्रेम पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा। करने के बाद दोस्तों इसको भी जो है आपको सेव कुछ तरह से कर लेना होगा दोस्तों। करने के बाद सिंपल से बैक आकर दोस्तों दोनों प्रोजेक्ट का आपको कुछ तरह से डिलीट कर लेना होगा दोस्तों। लेट करने के बाद अपने 100 मिनट में आपको आ जाना होगा दोस्तों। 100 मिनट पे आने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके 1:13 पे आ जाना होगा दोस्तों। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो दिखा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये ब्लू जो दिखा दोस्तों इमेज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा सिंपल से। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे फोटो एड करना दोस्तों, तो फोटो आपको कैसे एड करना दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों ब्लू वाले पे। अरे आपको कलर फिर जाए दोस्तों स्टार पर जाकर दोस्तों आप उस अलाइट मोशन का जो फोल्डर सेलेक्ट करके दोस्तों अपने अलाइट मोशन के फोल्डर में आकर दोस्तों जो 1x1 का जो साइज का एक्सपोर्ट करेंगे रहेंगे दोस्तों, उस फोटो को आपको लेकर सिंपल से प्लस पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। करने के बाद दोस्तों आपको बाइक करके आपको देख लेना दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से मैं एडजस्ट हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों से मैं आपको जो ये वाला नीचे तो दिख रहा है दोस्तों ब्लू, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे भी इमेज दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। आपको करंट पर जाकर दोस्तों स्टार पे चले जाना होगा। अरे आपको जो 9:16 का जो एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों उसका जो ले लेना होगा दोस्तों। मान ले लेने के बाद आपको प्लस पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें जो है कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें जो कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। उसमें से आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाना दोस्तों। आने के बाद उसमें आपको कैसे एड करना है दोस्तों, तो सिंपल आपको जो नीचे जो इमेज लिखा है दोस्तों इसमें वो क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर एनफिल पर जाकर दोस्तों स्टार पर चले जाना है। अरे आपको जो उसी फोटो का आपको ले लेना होगा दोस्तों। तो मैं कुछ दूसरा फोटो लेकर दोस्तों 9:16 का प्लस पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद बैक आकर दोस्तों, बैक आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से आप जो लिखा है दोस्तों प्रियांशु एक्स टेक्निकल दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एडिटिंग ग्रुप पे जाना दोस्तों। जाने के बाद इसे स्क्रॉल डाउन कर स्क्रॉल करेंगे कुछ तरह से आपको यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा दोस्तों। तो आपको जो लिखा है दोस्तों 5 पे इमेज दोस्तों, इसमें जाकर फोटो एड करना है दोस्तों। आपको फोटो कैसे एड करना है दोस्तों, आपको पहले इमेज पे क्लिक करना है दोस्तों, कलर पे जाकर स्टार पे जाकर दोस्तों आपको जो है कोई भी फोटो ले लेना दोस्तों। मान लीजिए मैं वाला फोटो लेकर प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों आपको दूसरे पे क्लिक करना दोस्तों, कलर पे जाकर स्टार पे जाकर फिर से आपको उसी वही फोटो का आपको ले लेना दोस्तों। आपको दोस्तों आपको 5 फोटो पे आपको जो इसी तरह आपको एक ही फोटो का आपको ले लेना होगा दोस्तों। लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ मैं आपको ले के दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि लेने के बाद जो आपका इसमें जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों एंड यूनिक जो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखने लगेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट कर चुका हूँ दोस्तों। करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है दोस्तों।
होने के बाद दोस्तों बैक करना होगा। बैक करने के बाद आपको स्कोर करके आगे आएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो काफी आसान तरीके से सेट हो चुका है दोस्तों। होने के बाद स्कोर करके आपको यहाँ पे फिर से आगे आ जाना होगा। आने के बाद स्कोर करके नीचे आएगा दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पे लिखा है फिर से प्रियांशु एक्स टेक्निकल दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एडिटिंग ग्रुप पर जाकर दोस्तों हम स्कोर करके कुछ आगे करें दोस्तों, आपको जो चार फोटो दिख रहा है दोस्तों, आपको चार फोटो पे यहाँ पे कुछ तरह से इसको लगा लेना दोस्तों। कलर पर जाकर दोस्तों स्टार पे चले जाना है दोस्तों, आपको यहाँ पे चार पे कर लेना दोस्तों। मैं एक ही फोटो जो कर लेता हूँ, करने के बाद दोस्तों आपको चार फोटो पे कर लेना हो। करने के बाद दोस्तों से बाइक कर लेना होगा दोस्तों, एंड आपको फिर से स्क्रॉल करके आपको आगे आ जाना दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आएगा दोस्तों, आपको जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करंट पे जाएगा दोस्तों, स्टार पे चले जाना होगा, एंड आपको कोई फोटो लेकर दोस्तों आपको प्लस पे आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें जो है काफ़ी आसान तरीके से एंड यूनिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी दोस्तों का भी सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, एंड अपने गैलरी में जो सेव करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको सेटिंग के बगल में आपको जो एरो दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 5 से 6 मिनट लगेगा, आपका स्टेटस जो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।